गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पति की प्रताड़ना से नाराज पत्नी ने पंखे से लटककर किया आत्महत्या। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसपी सिटी ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतरजनपदीय एक शातिर अभियुक्त अजय कुमार दुबे को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक एटीएम, एक मोबाइल फोन, एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस को किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। संग्रामपुर उन्मल ग्राम पंचायत व नगर पंचायत में शुक्रवार की रात को दर्जनों लोगों को डायरिया होने से मची अफरा तफरी। सीएमओ ने उन्मल ग्राम पंचायत का किया निरीक्षण। लीकेज के कारण दूषित जल पीने से लोग पड़े बीमार। नगर पंचायत एवं जल निगम द्वारा पानी के लीकेज को कराया जा रहा है ठीक। टोटल 26 मरीज डायरिया से है प्रभावित। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं कैंप। तीसरे शनिवार को लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीना की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित। 4 प्रकरण का मौके पर किया गया निस्तारण। संबंधित को समय सीमा के अंदर शेष मामलों के निराकरण करने के दिए निर्देश। विश्व टॉयलेट दिवस पर नगर निगम द्वारा महानगर के सभी सामुदायिक सार्वजनिक तथा पिंक टॉयलेट की गई साफ सफाई। शौचालय के संचालक और सफाई कर्मी को 5,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के कारण पूरे देश के हर कोने पर कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट है उपलब्ध। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त नीतीश पासवान उर्फ बाबूलाल को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष सुनूला पासवान के नेतृत्व में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त प्रिंस उर्फ राघवेंद्र पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक चोरी की मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेल। यातायात माह में यातायात जागरूकता एवं जीवन रक्षा के तहत बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत पुलिस कर्मियों को CPR का दिलाया गया प्रशिक्षण। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर मौके पर सबसे पहले पहुंचती है पुलिस। CPR की जानकारी पुलिस के साथ हर नागरिक को भी जानना है जरूरी, ताकि दूसरों की बचाई जा सके जान। और गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षणिक दर्शन विषय पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में व्याख्यानमाला का किया गया आयोजन। गुरु गोरक्षनाथ के जीवन पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। अब खबरें विस्तार से। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम ज्योति गुप्ता नाम की महिला ने पंखे से लटककर आत्महत्या की, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला चौकी के अंतर्गत शुक्रवार की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक ज्योति गुप्ता नाम की महिला, जिसकी 2020 में शादी हुई थी, उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लिया है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से सभी साक्ष्य को इकट्ठा किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके संबंध में परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मिले सुसाइड नोट में पति के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, यहाँ पे
जी सर, फोन आता था सर, वो बोलते थे उसके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं सर। प्राथमिक सूचना कहीं थाने पे दिए थे? नहीं सर, थाने पे हम लोग समझा बुझा कर रखते थे सर, घर में समझा बुझा कर घर में रखते थे सर। ये सब घर भर मिलकर सर फांसी लगवाए हमारी बहन को सर। जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ के धर्मशाला चौकी क्षेत्र में कल शाम को 5:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक ज्योति गुप्ता नामक महिला जिसकी 2020 में शादी हुई थी उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से उसका सारा इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 304B की जो पुलिस IPC के सेक्शंस हैं उसके आधार पर पुलिस अभी मुकदमा दर्ज कर रही है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसके अंदर उन्होंने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसी के आधार पर मुकदमा लिखे जाने के बाद पति को गिरफ्तार कर एवं अन्य जितनी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है वो सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने ATM बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर जनपदीय एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजय कुमार दुबे उर्फ छोटू बिहारी दुबे पुत्र अरविंद दुबे निवासी रघुआ डी मालहनपार थाना बास गांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक ATM, एक मोबाइल फोन, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कार्ड
कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अंतरजनपदीय अपराधी है, जो कि अपने साथियों के साथ अन्य जनपदों बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर में देहात के क्षेत्रों को चिन्हित कर साथ मिलकर अशिक्षित वृद्ध व असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर एटीएम मशीन से पैसे निकालने के दौरान लाइन में उनके आसपास खड़ा होकर धोखे से उनका पिन देखते हैं तथा उनकी मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल देते हैं। उसके बाद एटीएम से पैसा निकालने का काम करते हैं, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सिकरीगंज थाना प्रभारी दीपक सिंह, उप निरीक्षक चंदन सिंह, अशोक दीक्षित, कांस्टेबल आनंद यादव, दिनेश शाह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, सिकरीगंज में एक मुकदमा लिखा था एटीएम बदल करके धोखाधड़ी से पैसे निकालने का। उसी विवेचना में आज एक अभियुक्त अजय उर्फ छोटू दुबे, इसकी गिरफ्तारी सिकरीगंज पुलिस ने किया है। गिरफ्तार अभियुक्त रघुवाडी थाना बासगांव का रहने वाला है और ये लोग एटीएम पर खड़े रहते हैं। इनका पूरा एक गैंग है। जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे या बिल्कुल सीधे साधे जैसे दिखते हैं, उनका पीछे से ये पिन जानकारी कर लेते हैं। उसके बाद ज़रा सा भी आदमी अगर इन्हें लगा कि थोड़ा सा लेजी है तो उसकी मदद करने के बहाने फिर उसका एटीएम कार्ड भी ले लेते हैं। पिन की जानकारी कर लिया, एटीएम कार्ड ले लिया, अब उससे फिर ये उसके अकाउंट से पैसे ड्रा कर लेते हैं। इस अभियुक्त के विरुद्ध गोरखपुर सहित आसपास के जनपदों में 24 मुकदमे इससे पहले पंजीकृत हो चुके हैं। ये शातिर गैंग है, इनके पास फोर व्हीलर गाड़ियां भी हैं। इनके 3 अन्य साथी ये मौके से फरार होने में सफल हुए हैं। एक अर्टिका गाड़ी से आए थे, उस गाड़ी से निकल गए और इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। छानबीन में पूरे गैंग का फिर से पर्दाफाश हुआ है और ये आदती अपराधी लगातार वर्षों से अपराध कर रहे हैं। इनके विरुद्ध आगे गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी और इतना लंबा आपराधिक इतिहास है तो अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी करके 14(1) गैंगस्टर एक्ट में भी इनकी संपत्ति अटैच कराने की कार्यवाही की जाएगी। बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद डायरिया जैसी बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बासगांव तहसील के अंतर्गत संग्रामपुर उनवल ग्राम पंचायत व नगर पंचायत में शुक्रवार को डायरिया का प्रकोप शुरू हुआ, जिससे लोगों को उल्टी दस्त जैसी बीमारी शुरू हो गई है तथा बीमारी को लेकर गांव वालों में अफरा तफरी मची है। गांव वालों से हालचाल लेने के लिए शनिवार को सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने उनवल ग्राम सभा का निरीक्षण किया तथा टंकी पर चढ़कर पानी को देखा तथा वहां की व्यवस्थाओं को जाना, जिसके संबंध में सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि उनवल ग्राम पंचायत में शुक्रवार की रात से ही डायरिया के काफी मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए वहां पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कैंप करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पानी में लीकेज पाया गया, जिससे दूषित जल से लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह काम कर रही है। नगर पंचायत एवं जल निगम द्वारा पानी के लीकेज को ठीक कराया जा रहा है और पानी की टंकी को साफ कराया गया। उन्होंने कहा कि गांव वालों को क्लोरीन की टैबलेट, ORS, जिंक,
ब्लीचिंग पाउडर का वितरण किया गया है। उन लोगों को पानी पीने के लिए डेमो करके दिखाया जा रहा है और बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुल 30 मरीज पाए गए, जिसमें 26 मरीज डायरिया के हैं और बाकी सर्दी जुकाम बुखार के थे। उन्होंने कहा कि टोटल 26 मरीज डायरिया से प्रभावित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आप वहाँ नहीं रहे, सब अपने अपने संसाधन से अपने अपने जगह पर चले जा रहे हैं, हल्ला नहीं कर रहे हैं। की है जहां हम लोग खड़े हैं अभी, इसकी 31/10 यानी कि अक्टूबर माह में पूरी इसकी अंदर से फर्श बनवाते हुए सफाई करवाई गई थी। उसके बावजूद ये घटना हुई, तो ब्लीचिंग पाउडर कल भी डलवाया गया है। जहां जहां लीकेज है वहां वहां तुरंत तत्काल प्रभाव से लीकेज बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव और तेजी से हो रहा है। कल रात में फॉगिंग भी हुई है, CSC परिसर में भी फॉगिंग कराई गई है। जितने नगर पंचायत से हो सकता है वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, उनमल में परसों से हम लोगों को सूचना मिली है, कुछ छुटपुट मरीज आ रहे थे, लेकिन कल की रात में काफ़ी मरीज आ गए। तो चिकित्सा अधीक्षक ने हमें कल प्रातः फ़ोन किया कि बताया कि मरीज जो है यहाँ पर चिकित्सालय में 3 मरीज भर्ती हो गए हैं और उस एरिया से 10 लोग जो है तकरीबन पेट दर्द, बुखार, उल्टी, टट्टी से प्रभावित हैं आए। उनको निर्देशित किया गया कि आप वहाँ पर कैंप लगा दें। कैंप लगाने के बाद एरिया के जो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे उनको निर्देशित किया गया वहाँ कैंप करें और चूर क्षेत्र का भ्रमण करके देखा जाए। क्षेत्र का भ्रमण करके देखा गया तो वहाँ पर जो है कुछ जगह शायद पानी का लीकेज पाया गया था, जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है ये कि निगेटिव प्रेशर की वजह से दूषित जल जो है वहाँ सप्लाई हो रहा है। तो वहाँ हमारी टीम जो है पूरी कैंप कर रही है, नगर निगम की टीम और जल निगम की टीमें जो हैं जहाँ पर पानी का लीकेज है उसको ठीक कर रही हैं। फूड एंड ड्रग्स के लोग सैंपलिंग कर रहे हैं, जल निगम के लोग वहाँ जो पानी की टंकी है उसको, वो टंकी को बता रहे हैं कि रेगुलर भी संक्रमित हुआ है, लेकिन उसके भी पानी की सैंपलिंग कराई गई है। आज मैं, कल भी मैं गया था और आज मैं जा कर के स्वयं खुद देखा हूँ उसको, और देखने के पश्चात टंकी पूरी तरह से सुरक्षित है, बस कहीं लीकेज की समस्या होगी, उसी की वजह से दूषित जल प्रभावित हो रहा है। ग्रामवासियों के बीच में दवाओं का, ORS का, जिंक का, क्लोरीन की टैबलेट का और ब्लीचिंग पाउडर का वितरण कर दिया गया है। लोगों को बताया गया है कि पानी को कैसे क्लोरीनेट करके पीना है, इसका डेमो भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और लोगों में जागरूकता की जा रही है। और अभी वहाँ हमारा कैंप लगा हुआ है। अगर कैंप की बात हम करते हैं तो आज जो है लगभग जब तक मैं था तब तक 30 मरीज थे, जिसमें 8 मरीज डायरिया के थे, बाकी सभी मरीज जो हैं जुकाम, बुखार और सीजनल के थे। हॉस्पिटल में 2 मरीज भर्ती थे, दोनों की कंडीशन सामान्य थी। अभी तक कितने मरीज ग्रसित हैं? कल 16 मरीज थे, आज 10, कुल 26 मरीजों को। शासन के निर्देश पर महीने के पहले व तीसरे शनिवार को चलने वाले संपूर्ण समाधान तहसील दिवस के सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में आए हुए समस्त फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से सुना गया तथा संबंधित को निराकरण करने का निर्देश भी दिया गया, जिसके संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि शनिवार को तहसील सदर सभागार में तहसील समाधान दिवस पर अधिकतर पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित मामले आए और कुछ विकास विभाग से भी जांच कराने के संबंध में मामले आए। उन्होंने कहा कि 1 बजे तक 77 मामले आए, जिसमें 4 प्रकरण का निस्तारण किया गया, बाकी के लिए समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। ज्यादातर मामले भूमि विवाद व न्यायालय में विचाराधीन वाद के आए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं SDM सदर कुलदीप मीणा ने कहा, चौथी को इन्होंने आरक्षण महिला है, जाके कोई लिखवा दे रहे हैं।
नहीं कोई अनपढ़ महिला है कोई लिखवा दिया कि याद करवाना मत करें सर 2002 जी 960 में बेचा है जी हमसे क्या मतलब आपको हमारा तो हमने कितने करना कराए हमने उठवाया ये कमला ने उसको यहाँ से देश में हटाया है पे आज अधिकतर मामले राजस्व और पुलिस से संबंधित है, कुछ विकास विभाग से भी संबंधित मामले जांच कराने इत्यादि के संबंध में आए हैं, सड़क निर्माण नाली खड़ंजे। अभी तक 1 बजे तक लगभग 77 कंप्लेंट आई है, 4 प्रकरण का मौके पर निस्तारण किया गया, बाकी के लिए समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया। आप देखेंगे कि जितने मुकदमे आते हैं उसमें से अगर किसी न्यायालय में वाद नहीं लंबित है, मोस्टली दीवानी में लंबित रहता है, वो हम नहीं कर पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में 80-90% मामले निस्तारित हो जाते हैं। विश्व टॉयलेट डे के अवसर पर नगर निगम द्वारा महानगर के सभी सामुदायिक सार्वजनिक तथा पिंक टॉयलेट की साफ सफाई किया गया, जिसको देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने रेलवे बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय पर पहुंचकर स्थिति को देखा तथा वहां पर आने वाले नागरिकों एवं महिलाओं से साफ सफाई की जानकारी ली। लोगों ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम को धन्यवाद दिया तथा नगर आयुक्त द्वारा शौचालय के सफाई स्टाफ को फूल देकर तथा माला पहनाकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि विश्व टॉयलेट दिवस के अवसर पर महानगर में बने शौचालय को इस्तेमाल करने वाले लोगों को शुभकामनाएं व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, आज उसी के दिन है कि पूरे देश के हर कोने पर कम्युनिटी टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे बस स्टेशन पर बने सार्वजनिक शौचालय पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन इंसुलेटर सभी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर दिव्यांग टॉयलेट पिंक टॉयलेट भी बने हुए हैं। इस बस स्टैंड पर हर समय नेपाल बिहार तथा अन्य दूरस्थ इलाकों से लोगों से बातचीत कर जानकारी ली गई, जिससे शौचालय की साफ सफाई में जनता ने काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि शौचालय के संचालक और सफाई कर्मी को 5,000 रुपया एवं प्रशस्ति पत्र के साथ इनाम दिया गया। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त सहायक नगर आयुक्त नोडल अधिकारी जोनल अधिकारी एवं सफाई कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा आप
क्या नाम है? राज। क्या नाम है? पीछे साहब अहमद। इनके लिए किसी समय भी खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है। इसकी व्यवस्था से आपको संतुष्ट? हाँ सर। तो बिहार से कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहाँ? बिहार से बहुत है, बहुत बड़ा अंतर। तो आप यहाँ जाए, यहाँ से जब जाइएगा बिहार तो बताइएगा यहाँ के बारे में, गोरखपुर जो है कैसे वहाँ पे टॉयलेट को सब लोग मिलकर स्वच्छ रख रहे हैं। अभी नेपाल से भी लोग आए थे, देख सबसे अच्छी बात ये मैं देख रहा हूँ कि नेपाल से भी लोग आए हुए हैं, बिहार से भी आए हैं। जहाँ अंतर मतलब प्रदेशी चल रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी पार से लोग यहाँ आ रहे हैं, और उन सभी लोगों ने हमारे इस टॉयलेट की स्वच्छता को लेकर बड़े अच्छी बात कही है। और इसमें सारी सुविधाएँ जो आज के एक डिलक्स टॉयलेट में होनी चाहिए, एक जो कह सकते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, ये सभी हमारे टॉयलेट हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो ये सफाई कर्मी है, आज का इन लोग का हमने सम्मान किया है, सम्मान इसलिए कि एक तो इनके अंदर इससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप देखो कोई कहीं पर भी सड़क पर बाथरूम ना करें, यहाँ पर आपकी सुविधा के 24 घंटे खुला हुआ, इसका आकर आप सब लोग इसका इस्तेमाल करें। तो अपनी जो नगर निगम की हमारी पूरी टीम है, अपन नगर आयुक्त साहब, उप नगर आयुक्त साहब, सहायक नगर आयुक्त साहब श्री मणिभूषण तिवारी जी जो कि SDM के प्रभारी हैं, और उनके अनुभव और उनकी मेहनत की वजह से जो हमारा गोरखपुर में स्वच्छता की नई अलग जग रही है, साथ साथ जो हमारी SBM की पूरी टीम है उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा आगे हमेशा इसी प्रकार से इन शौचालयों के साथ साथ पूरे क्षेत्र में स्वच्छता की जो है एक नई कीर्तिमान स्थापित की जाएगी, स्पेशली फॉर लेडीज है, लेडीज एंड गर्ल्स आगे आ जाएंगे। आपको पूरे सर हैं, नगर आयुक्त हैं आगे, आप लखनऊ से और ज़्यादातर कई बड़े बड़े शहरों में आप लोग गए होंगे, इसकी सफाई को लेकर कहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आप सफाई से संबंधित हैं, आपने भी इस्तेमाल किया है? आपने भी इस्तेमाल किया? आइए आइए, कोई आज चूंकि विश्व शौचालय से हटा दीजिए, इधर आइए मैडम। ये कितनी अच्छी बात कह रही है कि ये जब भी बाहर से यहाँ आती है पिंक टॉयलेट को इस्तेमाल करती है। और आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुयोग्य प्रेरणादायी नेतृत्व में जो हमारा गोरखपुर शहर है स्वच्छता के नए कीर्तिमान रोज स्थापित कर रहा है, और इससे हम लोग को भी पूरी हमारी टीम को बहुत बल मिलता है कि आप कह रही है बाहर से आने वाले, अभी आपने देखा पीछे कि नेपाल से आए हुए लोग थे, बिहार से आए हुए लोग थे, आप नौतनवा थे और बता रहे वहाँ से आए हैं, और कह रही है कि जब भी यहाँ आती हैं अपनी बस से या टेम्पो से किसी से उतरती हैं सबसे पहले यहीं आकर इसको इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सफाई का स्तर है बहुत ही उच्च कोटि का है। निश्चित रूप से मैं ऐसी मात्र शक्ति को भी सलाम करना चाहूँगा लगातार मेंटेन करें, जिससे कि और भी जो हमारे यहाँ मातृशक्ति यहाँ पर आए वो इसको इसी प्रकार से इसकी प्रशंसा करती जाए। यदि आपने इस्तेमाल किया आज विश्व तो है आज इधर 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 इसलिए होता है लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग आए और बड़ी संख्या में इसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे कि मेल की बात है कहीं कभी सड़क पर बाथरूम कर सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा है। और ये आज संचालक महोदय को इस वर्ल्ड टॉयलेट डे पर कितने सफाई कर्मचारी हैं? हमारे यहाँ पाँच पाँच है, तो प्रत्येक कर्मचारी को 1,000 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये का वो तत्काल जो है एक प्रवृत्ति पत्र के साथ इनको आप हाजिर किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से और जो
अंतर प्रदेशी बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं, बिहार से, नेपाल से सब लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा अचानक हम लोग को दो हमारी मातृशक्ति मिल गई, माताएं बहने थी वो लोग, और उनको अचानक हम लोगों ने पूछा, उन्होंने इसकी इतनी तारीफ किया। तो निश्चित रूप से जो आज का विश्व शौचालय दिवस हम लोग मना रहे हैं उसका मोटिव भी यही है कि इनकी बातों को सुनकर हमारी सफाई कर्मचारी और हमारे संचालक और मोटिवेट हूँ, और निश्चित रूप से ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। और देखिए यहाँ पर सभी कुछ आपका चल रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। और इसी प्रकार से जो है तो मेंटेन करिए, जो भी है ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। मैं चाहूँगा संचालक महोदय लगातार इसको जो है उसी स्वच्छता को मेंटेन करते हैं। ₹5,000 की नाम अभी इनको दिल में जाएगा, बता दीजिए कि संचालक महोदय उसको सभी कर्मचारियों में कर्मचारियों को दिखा दिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्व शौचालय दिवस के मौके पर इसके इस्तेमाल करने वाले समस्त लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। जैसा कि आप भी जानते हैं, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब पहली बार शपथ ग्रहण किया था तो सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता, पूरे देश में स्वच्छता की एक अनूठी शुरुआत की थी, एक नई अलग जगाई थी, और उसी का एक परिणाम है कि पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको हर कोने पर कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट और इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन देखने को मिल जाएंगे। और आज करीब करीब हमारा पूरा देश जो है जो खुले में शौच आदि से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अब जो एक लड़ाई चल रही है कि जो बहुत से लोग अभी भी जागरूकता न होने की वजह से खुले में पेशाब आदि कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नई मुहिम चलाई गई है कि लोग खुले में न शौच करें, न खुले में पेशाब करें। और ये जो शौचालय बने हुए हैं, क्योंकि ये जो शौचालय हैं इनको जो शौचालय किसी भी सभ्यता और संस्कृति का उसके उसका क्या स्वास्थ्य का क्या पैमाना है, अगर हमारे चारों तरफ आप अपने पास शौचालय पा रहे हो। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि नेपाल से, नौतनवा से और जगह से कुछ महिलाएँ भी आई थी, और उन्होंने बताया कि जैसे भी बस से वो उतरी, सबसे पहले उन्होंने जाकर पिंक टॉयलेट को इस्तेमाल किया। अगर ये पिंक टॉयलेट होती यहाँ पे ना होता तो मातृशक्ति कहाँ पर जाती। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी प्रकार अभी हमने देखा कि नेपाल से भी कुछ लोग और भी लोग आए थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अगर आज ये टॉयलेट इस तरह ना होते तो निश्चित रूप से ये लोगों के मन में एक स्वास्थ्य के प्रति, लोगों के मन में जागरूकता की एक नई मुहिम छेड़ने में, लोगों के मन में जागरूकता एक पैदा करने में बहुत ही एक कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और आज का वर्ल्ड टॉयलेट डे का उद्देश्य भी यही है कि इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, एक तो लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना, प्लस जो लोग इसकी सफाई को मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग इसको संचालित कर रहे हैं, उन लोगों के मन में भी एक नए ऊर्जा का संचार करना। और आपने देखा भी होगा यहाँ पर कि सारी जितनी अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं सभी लैस हैं, चाहे वो यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हो, चाहे आपका फीडबैक मशीन हो, इंसिनेटर हो, सभी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे दिव्यांग टॉयलेट भी बने हुए हैं, रैंप भी बना हुआ है। तो ये हमारे बस स्टैंड पे, जबकि आप देखते हो इस बस स्टैंड पे हर समय नेपाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से लगातार इसमें बसें आती रहती हैं, और बहुत बड़ी संख्या में दूर दराज से यात्री यहाँ पर आते हैं लंबी लंबी यात्रा करके, जिनको कि तत्काल ही इस प्रकार के शौचालय की ज़रूरत पड़ती है। तो ये शौचालय जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर गोरखपुर शहर के एक स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर बनाने में निभा रहा है। आज एक बार पुनः मैं अपने पूरे शहरवासियों को इसके विश्व शौचालय दिवस के मौके पर बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सबसे ये एक अनुरोध भी करना चाहूँगा, कहीं पर भी खुले में ना शौच जाएं, ना पेशाब करें, इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। ये आप ही के लिए बना है सर, संचालकों को इनाम राशि। ये आज जो हमने यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ मातृशक्ति से कुछ हमारे भाई थे, उनसे हम लोगों ने अचानक ही उनसे बात किया, जिन्होंने अचानक निकल के इस्तेमाल करके बाहर आ रहे थे, और हम लोगों ने उनसे इसकी स्वच्छता के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि साहब हम जब भी आते हैं सिर्फ इसी को इस्तेमाल करते हैं, और ये इसी प्रकार से किसी आज के दिन ही साफ नहीं है,
ये रोज़ इसी प्रकार से हमको साफ मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ के हमारे सफाई कर्मचारी हैं, संचालक महोदय हैं, उन सभी सफाई कर्मचारियों को 5 लोग की टीम यहाँ पर लगी हुई है, सभी लोगों को यहाँ पर 5001 रुपये का जो प्रशस्ति पत्र के साथ उनको एक इनाम दिया गया है, उनके मोटिवेशन के लिए, उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह का संचार करने के लिए। खोराबार थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रामनगर करजहां चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान नितेश पासवान उर्फ बाबूलाल पुत्र बंसु पासवान निवासी रामनगर करजहां चौराहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। खोराबार थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, कांस्टेबल पीयूष कुमार मोहम्मद फहीम, महिला कांस्टेबल ज्योति सिंह शामिल रहे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पति की प्रताड़ना से नाराज पत्नी ने पंखे से लटककर किया आत्महत्या। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसपी सिटी ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर जनपदीय एक शातिर अभियुक्त अजय कुमार दुबे को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक एटीएम, एक मोबाइल फोन, एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस को किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। संग्रामपुर उन्मल ग्राम पंचायत व नगर पंचायत में शुक्रवार की रात को दर्जनों लोगों को डायरिया होने से मची अफरा तफरी। सीएमओ ने उन्मल ग्राम पंचायत का किया निरीक्षण। लीकेज के कारण दूषित जल पीने से लोग पड़े बीमार। नगर पंचायत एवं जल निगम द्वारा पानी के लीकेज को कराया जा रहा है ठीक। टोटल 26 मरीज डायरिया से है प्रभावित। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं कैंप। तीसरे शनिवार को लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीना की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित। 4 प्रकरण का मौके पर किया गया निस्तारण। संबंधित को समय सीमा के अंदर शेष मामलों के निराकरण करने के दिए निर्देश। विश्व टॉयलेट दिवस पर नगर निगम द्वारा महानगर के सभी सामुदायिक सार्वजनिक तथा पिंक टॉयलेट की गई साफ सफाई। शौचालय के संचालक और सफाई कर्मी को 5,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के कारण पूरे देश के हर कोने पर कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट है उपलब्ध। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त नितेश पासवान उर्फ बाबूलाल को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष सुनीला पासवान के नेतृत्व में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त प्रिंस उर्फ राघवेंद्र पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक चोरी की मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेल। यातायात माह में यातायात जागरूकता एवं जीवन रक्षा के तहत बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत पुलिस कर्मियों को CPR का दिलाया गया प्रशिक्षण। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर मौके पर सबसे पहले पहुंचती है पुलिस। CPR की जानकारी पुलिस के साथ हर नागरिक को भी जानना है जरूरी, ताकि दूसरों की बचाई जा सके जान। और गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षणिक दर्शन विषय पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में व्याख्यानमाला का किया गया आयोजन। गुरु गोरक्षनाथ के जीवन पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में इंदिरा बाल विहार स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक निडर साहसी महिला थी। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अनगिनत योजनाएं देश हित में लागू कर भारत को सशक्त भारत बनाया। जो देश भारत की तरफ गलत नजर से देखता था उस देश को उसी भाषा में जवाब देने का कार्य करती थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जयंती के अवसर पर हम सभी कांग्रेसी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, सेवा दल यंग ब्रिगेड, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी जोन हिमांशु धर द्विवेदी, जितेंद्र पांडे, ब्रज नारायण शर्मा, राजेश तिवारी, तौकीर आलम, धर्मराज चौहान, जय नारायण शुक्ला, प्रवीण पासवान, अनुराग पांडे, सुनीला देवी, राकेश मौर्य, देवेंद्र निषाद, धनुष, मनीष गौतम, एसपी सिंह, राजीव कुमार सिंह, रजनी देवी, प्रभा चतुर्वेदी, चौधरी एजाज हुसैन, रामानंद पांडे, विख्यात भट्ट, मुस्तफा अंसारी, राजेंद्र यादव, अमरनाथ यादव, विनोद तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, आज इंदिरा जी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। हम लोग भी गोरखपुर में जिला और महानगर के तत्वाधान में इंदिरा गांधी जी की आज जयंती पर जो देश के लिए कुर्बान हुई, मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा, ऐसी आयरन लेडी, ऐसी भारत में महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जयंती पर जिला और महानगर समस्त कार्यकर्ता कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके चले कहे हुए सिद्धांतों के ऊपर हम सभी लोग चलने का प्रयास करेंगे। वो निडर महिला थी, उनके जैसे महिला निडर होने का हम सबको एक प्रेरणा देंगे कि इंदिरा गांधी जैसे निडर बने और साहसी बने और उनके विचारधाराओं पे चले। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को एसके कॉम्प्लेक्स बेतियाहाता से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रिंस उर्फ राघवेंद्र पांडे, पुत्र स्वर्गीय रतन पांडे, निवासी एसके कॉम्प्लेक्स बेतियाहाता, थाना कैंट, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल दीपक यादव, राजनारायण धूर्यवंशी यादव शामिल रहे। यातायात माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में यातायात जागरूकता एवं जीवन रक्षा के अंतर्गत डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला के द्वारा नए बैच के 108 उप निरीक्षक आर्ची, पुरुष आर्ची, महिला कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत
CPR का प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि CPR की जानकारी पुलिस के साथ हर नागरिक को भी जानना जरूरी है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सबसे पहले पुलिस ही मौके पर पहुंचती है, इसलिए पुलिस को CPR एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। इस प्रशिक्षण के द्वारा अपने आप को और परिवार वालों की जान तथा ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना होने पर दूसरों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए यह प्रशिक्षण नए बैच के जवानों को जानना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी जवान यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने परिवार रिश्तेदार को सही से यातायात नियमों का पालन करवाएं और यातायात नियमों का पालन करके एक आदर्श पुलिसकर्मी का उदाहरण प्रस्तुत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जैसे हो जाएंगे या आपके समर्थन में हो जाएंगे, तो एटलीस्ट अगर कोई न्यू पर्सन भी आता है वो अपने सवाल करता है, उसका जवाब होंगे कि CPR कैसे किया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी में सीने में जो दबाव दिया जाता है उसका तरीका क्या है, कितना दबाव देते हैं, कैसे दबाव देते हैं। जी बताइए। कुछ मैं बोलूंगा। अच्छा अच्छा, मैंने आपका जनरल ओरिएंटेशन किया था कि पुलिस में हम लोगों को ड्यूटी के दौरान, किसी भी ड्यूटी के दौरान अथवा VIP ड्यूटी के दौरान, और हमारी सामान्य वेशभूषा, व्यवहार और आचरण किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पुलिस में लंबी सेवा देनी है, अगले 35-40 साल तक आपको डिपार्टमेंट में रहेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए डॉक्टर राजय शुक्ला ने हम लोगों पर कृपा की है और हमेशा पुलिस के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप इतनी देर के लेक्चर में समझ भी गए होंगे कि इस चीज की सिर्फ ड्यूटी के दौरान नहीं, आपके घर परिवार में, कहीं भीड़ में, कोई फंक्शन में, किसी को शुगर की बीमारी है, कोई वैसे शरीर से कमजोर है, कभी भी किसी के लिए दिक्कत आ सकती है, कोई शादी ब्याह में बेहोश हो सकता है, तो आपके लिए, जिसके लिए BSL बताया गया है, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसके अंदर CPR शामिल है, जिसको इंग्लिश में कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन बोलते हैं। रिसस्टिटेशन काफ़ी टफ वर्ड है मेडिकल टर्म में, जो कि आप लोगों के लिए बोलना या थाना आवश्यक नहीं है। आप लोग से इतना समझ लीजिए कि कृत्रिम श्वास कैसे देते हैं, ये बहुत जरूरी है, इसकी कभी भी घर में भी आवश्यकता पड़ सकती है और आपके लिए ड्यूटी के दौरान भी आवश्यकता पड़ सकती है। किसी के बारे में ऑलरेडी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोई आप पर किसी प्रकार का आरोप ना लगा दे, या आप खड़े हैं कोई डिफरेंट सेक्स का व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है तो उसी सेक्स के लोग सीखे। और इसी के साथ अब मैं 2-3 चीज़ें आपको ऐड कर दूं जो मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी, जिसके बारे में इधर कितना वीडियोज हम लोग बहुत ही बारीकी से चश्मा लगाकर देखते हैं कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी कहाँ पर कौन सी गलती कर रहा है। कभी आप लोग बीमार की या डेड बॉडी को समझाते हुए कि लोग हेलमेट को अच्छे से बांधे, आप अपने हाथ से बांधिए, उनको बताइए कि श्रीमान जी हेलमेट को बांध लीजिए, फोटो वीडियो अपना शेयर करिए, ताकि ट्रैफिक एवेयरनेस मंथ चल रहा है उसमें धामेश्वर का भी योगदान मेरे पास तक आधा रखो, बड़ा काम है। गोरखपुर पुलिस में सेवा में जो हमारे नए जवान आए हैं, महिला कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल और नए सब इंस्पेक्टर्स, उनके लिए बुलाकर डॉक्टर अजय शुक्ला बॉम्बे हॉस्पिटल के सौजन से यातायात माह के अंतर्गत उनके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट और कार्डियो पल्मिनरी रिससिटेशन, जिसको आम भाषा में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसका इनके लिए प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण, ये जानकारी पुलिस कर्मियों के साथ साथ हर नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि दुर्घटना के मौके पर सबसे पहले पुलिस ही पहुंचती है, तो पुलिस के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना और बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से नए बैच के जवानों के लिए ये जानकारी दी गई। ये जानकारी इन जवानों के लिए जहाँ इनके स्वयं के जीवन में उपयोगी होगी, उसी के साथ साथ ड्यूटी के दौरान जहाँ नागरिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो वहाँ भी घायल नागरिकों का जान बचाने में इससे मदद मिलेगी और समाज के लिए हम एक वेलफेयर का कार्य कर पाएंगे। सर, यातायात के बारे में जागरूक किया गया,
देखिए ये कार्यक्रम जो BSL, BLS और CPR का दिया गया है, ये यातायात जागरूकता का ही पार्ट है और इसी के साथ साथ यातायात संबंधी जो जनरल टिप्स हैं वो भी मैंने पुलिस कर्मियों को बताई कि ट्रैफिक रूल्स का स्वयं भी पालन करें और अपने फैमिली मेंबर से भी पालन कराएं। एनफोर्समेंट कराना तो आपकी जिम्मेदारी है ही, इसके साथ साथ सबसे पहले स्वयं के लिए एक उत्कृष्ट ट्रैफिक रूल्स को मानने वाले पुलिसकर्मी के रूप में स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि आपके क्षेत्र में अच्छा संदेश जाए कि इस थाना क्षेत्र की, इस जनपद की जो पुलिस है वो स्वयं भी सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करती है। थैंक यू। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षणिक दर्शन विषय पर विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौड़ ने बताया कि इस तरह का आयोजन से गुरु गोरखनाथ पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को बहुत फायदा मिलेगा, जो कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का एक भाग है जिसमें नाथ पंथ की महिमा के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा इससे गुरु गोरखनाथ के बारे में सभी को जानने का अवसर प्राप्त होगा। अगर सामाजिक समरसता देखना चाहते हैं तो गोरखनाथ मंदिर के भोजनालय में देख सकते हैं, जहां सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। भारतीय दर्शन में नाथ संप्रदाय एवं नाथ पंथ का सिद्ध योगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो आज भी कायम है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर राजशरण शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौड़ ने कहा शिक्षा के मंदिर संगीत विभाग की छात्रा को आमंत्रित करता हूँ सरस्वती वंदना वक्त लोगों को नई ऊर्जा और संचेतना का प्रसार और प्रचार कर उनके शैक्षिक और सामाजिक दर्शन का प्रतिरूप मूर्त रूप महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, एक भारतीयता से युक्त शिक्षा व्यवस्था को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है और उसी परिषद की बगिया में पुष्पित और पल्लवित हुए दो ख्यातिलब्ध विद्वान इस समय मंच पर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। शिक्षा शास्त्र विभाग अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और विभागाध्यक्ष होने के कारण मैं हर्षोल्लास से इतनी ज्यादा आह्लादित हूं कि मुझे शब्द ही नहीं मिल रहा है कि मैं शुरू कहां से करूं। आज के दिन हमारे मंच पर जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उनको ध्यान में रखकर अगर कुछ बात शुरू करते हैं तो हमारे विशिष्ट अतिथि जी की ओर भी ध्यान जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं न्याय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं मुख्य अतिथि के बारे में बोलूं कि विशिष्ट अतिथि के बारे में बोलूं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा समानता है। मेरे लिए तो दोनों एक ही है, तो मैं कुछ कहने से पहले
अध्यक्षता कर रही हूँ। आशा है मुख्य अतिथि जी इसको नजरअंदाज करेंगे और मेरी स्थिति को समझते हुए। आज का जो विषय हम लोगों ने चुना है ये गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षिक दर्शन। यह विषय विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर चुना गया है और इसकी आवश्यकता महसूस इसलिए हुई क्योंकि आज के विषय का जो संबंध है वो हमारे स्नातक स्तर के जो कोर्स हैं उससे भी संबंधित है, परास्नातक से भी संबंधित है और जो हमने एमएड के कोर्स में फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ रखा है उससे भी संबंधित है। तो ये विषय बहुत ही विद्यार्थियों के लिए ज्ञानपूर्ण है। अब कहा गया कि अतिथि का स्वागत कीजिए। अतिथि देवो भव कहती है ये भारत धरा, स्वागत करके आपका निभा रही हूं परंपरा। हमारी परंपरा है कि कोई भी मंचीय कार्यक्रम किसी विशिष्ट किसी अति कुशल अथवा मूर्धन्य विद्वान के सानिध्य में संपन्न करते हैं। आज हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग में एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया है। विषय है उसका गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षिक दर्शन, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप राव जी कुल सचिव गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के, और जो विशिष्ट अतिथि हैं वो डॉक्टर राज शरण शाही जी, सहयुक्त आचार्य भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के। क्या उद्देश्य है इसका? ये हमारे पाठ्यक्रम का एक अंश है जो बीएड एमएड और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में समाहित है। गुरु गोरक्षनाथ का शिक्षा दर्शन, गुरु गोरक्षनाथ का योग दर्शन और गुरु गोरक्षनाथ नाथ पंत एवं जो हम वहाँ का गुरु महिमा है और उसके साथ साथ फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ, उससे रिलेटेड ये व्याख्यान कराया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए ही है ये, पाठ्यक्रम में है तो वो उनके लिए ही है ये। हाँ, उनको जो गुरु गोरक्षनाथ हैं उनके दर्शन को समझने का अवसर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। पति की प्रताड़ना से नाराज पत्नी ने पंखे से लटककर किया आत्महत्या। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसपी सिटी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतरजनपदीय एक शातिर अभियुक्त अजय कुमार दुबे को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक एटीएम, एक मोबाइल फोन, एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस को किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। संग्रामपुर उन्मल ग्राम पंचायत व नगर पंचायत में शुक्रवार की रात को दर्जनों लोगों को डायरिया होने से मची अफरा तफरी। सीएमओ ने उन्मल ग्राम पंचायत का किया निरीक्षण। लीकेज के कारण दूषित जल पीने से लोग पड़े बीमार। नगर पंचायत एवं जल निगम द्वारा पानी के लीकेज को कराया जा रहा है ठीक। टोटल 26 मरीज डायरिया से है प्रभावित। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं कैंप। तीसरे शनिवार को लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीना की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा अधिकतर मामले आए पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित, चार प्रकरण का मौके पर किया गया निस्तारण। संबंधित को समय सीमा के अंदर शेष मामलों के निराकरण करने के दिए निर्देश।
विश्व टॉयलेट दिवस पर नगर निगम द्वारा महानगर के सभी सामुदायिक सार्वजनिक तथा पिंक टॉयलेट की गई साफ सफाई, शौचालय के संचालक और सफाई कर्मी को 5,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के कारण पूरे देश के हर कोने पर कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट है उपलब्ध। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त नीतीश पासवान उर्फ बाबूलाल को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष सुनूला पासवान के नेतृत्व में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त प्रिंस उर्फ राघवेंद्र पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक चोरी की मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेल। यातायात माह में यातायात जागरूकता एवं जीवन रक्षा के तहत बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत पुलिस कर्मियों को CPR का दिलाया गया प्रशिक्षण। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर मौके पर सबसे पहले पहुंचती है पुलिस। CPR की जानकारी पुलिस के साथ हर नागरिक को भी जानना है जरूरी, ताकि दूसरों की बचाई जा सके जान। और गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षणिक दर्शन विषय पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में व्याख्यानमाला का किया गया आयोजन। गुरु गोरक्षनाथ के जीवन पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।